हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है मिडल मैन। ये मूवी एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर भी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है, तो रेटिंग को देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें 2004 की ह्यूस्टन सिटी की घटना बताई जाती है, जब एक आदमी बंगले से एक बैग बाहर लेकर निकल रहा था। वो आदमी अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है, मेरे बैग में कुछ मिलियन डॉलर रखे हुए है और मैं ये सारा पैसा लेकर रशियन गैंगस्टर से मिलने जा रहा हूँ। मेरा नाम जैक हैरिस है और ये कहानी है मेरी। आगे हमें ह्यूस्टन सिटी का 1988 का ही समय बताया जाता है, जब जैक हैरिस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गार्डन में गेट टुगेदर पार्टी अटेंड कर रहा होता है। जैक खड़ा होकर अपनी जेब से रिंग निकाल लेता है और वो डायना को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। डायना भी बहुत खुश होती है और आगे वो दोनों शादी कर लेते हैं। आगे हमें 1997 की लॉस एंजलिस की घटना बताई जाती है, जब दो दोस्त वेन बीरिंग और डग डॉल्बी अपने घर के रूम में बैठे हुए थे। बग चेयर पर बैठकर कोई वीडियो देख रहा था, तब वेन उसे कहता है, तुम चेयर क्यों हिला रहे हो। बग और वेन के बीच में इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं। ये दोनों ही बचपन के दोस्त होते हैं और एक दूसरे के साथ अक्सर लड़ा करते थे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे, क्योंकि ये दोनों ही रास्ता खोजने में लगे हुए थे कि ये कौन सा काम करे कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। आगे हमें जैक हैरिस को बताया जाता है और उसे उसकी वाइफ कहती है, तुम्हारा दोस्त जिसका लॉस एंजलिस में क्लब है वो अभी बहुत बीमार है, इसलिए उसकी वाइफ सुजैन चाहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए लॉस एंजलिस चले जाओ और तुम्हारे दोस्त का पूरा बिजनेस देखो और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे दोस्त के लॉयर जेरी से बात करनी होगी। जैक हैरिस अपनी फैमिली को ह्यूस्टन में छोड़कर लॉस एंजलिस नहीं जाना चाहता था, पर उसके ऊपर घर का बहुत सारा कर्ज था, उसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करने थे। आगे जैक अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए ह्यूस्टन से लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है। इसी समय बग भी एक ऑफिस में जॉब क्या करता था अपना घर का रेंट देने के लिए, और रात में बग और वेन अपने अमीर बनने के प्लान में काम क्या करते थे। अब रात में बग और वेन दोनों अपने घर पर होते है और वेन बग से कहता है, इंटरनेट पर ऐसा क्या है जो हमें एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा है। यदि तुम इंटरनेट पर कोई भी एडल्ट मूवी देखते हो तो वो काफी बोरिंग होती है और लो क्वालिटी होती है, इसलिए लोग एंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं। लोगों को कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ नया चाहिए। मैंने कुछ एडल्ट मूवी देखी है पर वो काफी बोरिंग थी, काफी लो क्वालिटी थी। बग कहता है, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ लेकिन इनमें तुम्हारा पॉइंट क्या है। वेन कहता है, हम कुछ मैगजीन के फोटो लेंगे जिनमें लड़कियां बिना कपड़ों के होगी, हम उन फोटो को इंटरनेट पर डालेंगे और कुछ पैसा कमा लेंगे। ये सुनकर बग कहता है, तुम्हारा आइडिया तो काफी जबरदस्त है और इससे हम जल्दी अमीर भी बन सकते हैं। बग कहता है, तुम चाहते हो कि लोग इंटरनेट पर हमारा कंटेंट देखे और फिर वो चेक बनाकर तुम्हें चेक भेजे तुम्हारे घर पर। वेन कहता है, हाँ, या तो वो मनी ऑर्डर भेजेंगे या फिर मुझे चेक से पैसे भेजेंगे या तो फिर और तरीके से लाइक क्रेडिट कार्ड से पैसे भेज सकते हैं। ये सुनकर बग कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए हमें पैसे कैसे भेजेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है कि कोई कंप्यूटर पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा और पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। ये कहते कहते ही बग चुप हो जाता है और वो इस बारे में सोचने लगता है कि लोग हम तक डायरेक्ट पैसा कैसे भेज सकते हैं। आगे बग कहता है, प्लीज 15 मिनट तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ कर रहा हूँ। बग रॉकेट साइंटिस्ट था इसलिए उसे प्रोग्रामिंग आती थी और 15 मिनट में ही बग एक प्रोग्राम लिख देता है जिसके जरिए ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन किया जा सकता था। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो उस समय वीजा, पेपल और अमेजन ने डेवलप कर दी थी। तो दोस्तों ये उस समय की घटना बताई जा रही थी जब ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। यदि किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना था तो क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं किया जा सकता था, सिर्फ कुछ ही कंपनियों के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो वो पेमेंट रिसीव कर सकते थे। प्रोग्राम बनने के बाद वेन बग से कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि बजर बजेगा और हमारे पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा। बग कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, हमें हमारी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना रखना है। वेन कहता है, मुझे लगता है $10 रखना चाहिए। बग कहता है, नहीं, हम $9.99 रखेंगे, साइकोलॉजिकली इतना पेमेंट करते हुए लोगों को बेटर लगेगा। ये सुनकर वेन कहता है, हाँ ठीक है। आगे पेमेंट की प्रोग्रामिंग करे हुए बग को 4 से 5 दिन बीत चुके थे, पर एक दिन रात में अचानक कंप्यूटर में बजर की आवाज आती है। वेन आकर देखता है तो किसी ने उनकी वेबसाइट पर $9.99 का पेमेंट किया था। आगे वो अगला पूरा दिन अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को देखते हैं। बजर बार बार बज रहा था और उनकी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन कई लोग ले रहे थे। बग कहता है, तुम्हें ये पागलपन जैसा नहीं लग रहा है,
तब वेन कहता है, नहीं, ये लोग हमारे सब्सक्राइबर है और अब हम सचमुच अमीर बनने वाले है। आगे वेन बक को कहता है, हम $7,000 के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये सुनकर बक कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, हमें और मैगजीन खरीदना चाहिए ताकि हम लड़कियों की पिक्चर लेकर उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर सके। तब वेन कहता है, नहीं नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें फ्रेश कंटेंट चाहिए होगा, जो कंटेंट हमारा खुद का बनाया हो, ना कि किसी मैगजीन से लिया हुआ। आगे बक और वेन एक क्लब में जाते हैं जिसे निकिता सोकोलोफ नाम का आदमी चलाया करता था, जो कि वेस्ट कोट का एक रशियन गैंगस्टर था। बक और वेन उस क्लब के गार्ड के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है, पर गार्ड उन्हें बॉस के पास ले जाने से मना कर देते हैं। इस बात को सुनकर वेन उन पर गुस्सा करने लगता है और उन्हें बुरा भला बोलने लगता है। तब तंग आकर गार्ड उन दोनों को मारते हुए निकिता सोकोलोफ के पास ले जाते हैं। तब निकिता नाम का वो गैंगलोड अपने पास से गन निकालकर वेन के ऊपर अड़ा देता है और उसे सवाल करता है, तुम यहाँ पर क्यों आए? तब वेन कहता है, हम बस आपके क्लब में नाचने वाली लड़कियों के फोटो खींचना चाहते हैं बिना कपड़ों के, जिससे हम प्रॉफिट कमाएंगे और हम आपको भी प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये सुनते ही निकिता नाम का वो आदमी कहता है, तो ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी थी। आगे वो दोनों क्लब में निकिता नाम के उस आदमी को अपनी डील समझाते हैं और वो निकिता को राजी कर देते हैं उसके क्लब में नाचने वाली लड़कियों के फोटो लेने के लिए, जिसके बदले वो लोग प्रॉफिट का 25% निकिता को देने वाले थे। आगे बक और वेन क्लब में काम करने वाली लड़कियों के वीडियो बनाने लगते है और उन वीडियो को अपनी साइट पर अपलोड करने लगते है, जिससे उनके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे थे और वो लोग उन वीडियोस को देख रहे थे। जल्दी उनकी वेबसाइट पर कई सब्सक्राइबर जुड़ चुके थे और वेबसाइट को हैंडल करने के लिए उन्हें एक और सर्वर की जरूरत पड़ने लगी थी। अब वेन और बक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे। तब वेन बक को कहता है, मैं अकेला भी ये सब नहीं संभाल सकता, तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। तब बक अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने ऑफिस का सीपीयू लेकर आ जाता है। आगे बक और वेन दोनों लास वेगास के लिए निकल जाते हैं ताकि वहां पर जाकर वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, क्योंकि एक महीने से भी कम समय में उन दोनों ने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना लिया था और वो अपनी वेबसाइट से एक दिन के $25,000 तक भी कमा रहे थे। दूसरी तरफ जैक हैरिस भी अपने फ्रेंड के क्लब को अच्छी तरह से चला रहा था। एक दिन जैक एयरपोर्ट पर था, तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। तब जैक की वाइफ कहती है, क्या मैं भी लॉस एंजलिस आ जाऊँ तुमसे मिलने के लिए? तब जैक कहता है, बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं लॉस वेगास में हूँ, मेरे फ्रेंड के वकील जेरी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, उसका कहना था कि कोई बिजनेस है जिसमे उसे मेरी हेल्प चाहिए। आगे जैक जेरी नाम के उस लॉयर से मिलने गोल्फ क्लब में जाता है। तब जेरी कहता है, मैं पहले तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसने मुझे बताया कि दो आदमी हॉट रॉक होटल में छुपे हुए हैं। उन दोनों को किसी लीगल एडवाइस की जरूरत है। उन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, पर उन्हें नहीं पता था कि वो किस मुश्किल में फंसने वाले हैं। कुछ ही महीनों में उन्होंने काफी सारे पैसे कमा लिए और वो लोग लॉस वेगास में आ गए। तब जैक जेरी से पूछता है, तो उनके पार्टनर कौन थे? जेरी कहता है, उनका पार्टनर कोई रशियन गैंगलॉर्ड है जो कि एलए में रहता है, उसका नाम निकिता है शायद। ये नाम सुनकर जेक कहता है, निकिता सोकोलोफ, वो आदमी तो पागल है, वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। जेरी कहता है, निकिता और उसके आदमियों ने लॉस वेगास में आकर इन दोनों की खूब पिटाई की। ये दोनों कुछ एडल्ट पिक्चर इकट्ठा करके उसे इंटरनेट पर डाला करते थे और कुछ ही महीनों में इन दोनों ने मिलियंस ऑफ डॉलर इस काम से बना लिए थे। ये सुनकर जेक कहता है, तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बच्चे है और मेरी वाइफ भी है, मेरी एक हैप्पी फैमिली है। तब जेरी कहता है, मेरी बात को समझो, क्या हॉलीवुड में काम करने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर भी बुरे हैं? क्या उन्हें भी तुम एडल्ट फिल्म मेकर बुलाते हो? इसलिए मैं तुम्हें ऐसी वैसी मूवी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इस बिजनेस को समझने की बात बोल रहा हूँ। जैक समझ गया था कि उसे सिर्फ रशियन गैंगलॉर्ड से बात करके मामले को सुलझाना है और वेन और बक की प्रॉब्लम सॉल्व करवा के जेरी कुछ पैसा कमाना चाहता था। आगे जैक वेन और बक से मिलने होटल में उनके रूम में जाता है। आगे बक जैक से कहता है, तुम देख रहे हो हमारी क्या हालत हो चुकी है, उन रशियन गैंग के लोगों ने हमें आकर खूब मारा, मेरी आंख पर हमला किया और मेरे दोस्त की हालत तो तुम देख ही सकते हो, उसे इतना मारा गया है कि वो अब हमारे रूम में रूम सर्विस वालों को भी नहीं आने दे रहा है। तब जेक कहता है, पहले हमें सब कुछ क्लीन करवाना होगा, फिर हम बात करेंगे। आगे रूम सर्विस वाले आके उनके होटल रूम को क्लीन करते है और आगे जेक बक को समझाता है, तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिससे 2 महीनों में ही तुमने मोटा पैसा कमाया, पर तुमने अपने रशियन पार्टनर को जो प्रॉमिस किया था वो तुमने पूरा नहीं किया। तुमने बिजनेस अच्छा बनाया है पर तुम लोगों को बिजनेस करना नहीं आता। तुम दोनों ने कोई ऐसा तरीका ढूंढा है जिसे दुनिया में कहीं भी बैठा आदमी तुम दोनों को पैसा पे कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए और तुम उसे अपना प्रोडक्ट दुनिया में कहीं भी भेज सकते हो। बक कहता है, हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते है, ये हमारा आइडिया था। जैक कहता है, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, तुम इस आइडिया से लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो, बस हमें इस लेन देन को थोड़ा सुविधाजनक बनाना होगा।
तब बक कहता है मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तब जेक कहता है मान लो कुछ लोग अपने घर के बेसमेंट में कैमरास लेकर लड़कियों के साथ कुछ वीडियो शूट कर रहे और वो लोग उन वीडियो को एडल्ट साइट पर अपलोड करते हैं। दुनिया में दूसरी जगह पर बैठा आदमी उस साइट पर जाकर उस वीडियो को देखता हो और उसके लिए वो क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट करता हो, तो बताओ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में उस वेबसाइट का नाम क्या आएगा? जरूर ऐसी साइट का कोई बुरा नाम रखा गया होगा। और जब उस आदमी की वाइफ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखेगी तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच लड़ाई होगी और देश में डिवोर्स के केस बढ़ जाएंगे। हमें पेमेंट का नाम ऐसा रखना चाहिए जैसे 24/7billing.com। किसी को इसका मतलब पता नहीं होगा और वेबसाइट पर विजिट करने वाले भी सेफ रहेंगे। और जब कोई हमारी वेबसाइट के थ्रू कंटेंट प्रोवाइडर को पेमेंट करेगा तो हम उसमें से 10% रख लेंगे और कंटेंट प्रोवाइडर को बाकी का पैसा दे देंगे। हम बस एक मिडिलमैन होंगे जो कंटेंट प्रोवाइडर और व्यूअर के बीच में होंगे। ये सुनकर बक कहता है तो तुम कहना चाहते हो कोई भी कंटेंट प्रोवाइडर जो एडल्ट कंटेंट बनाता है हम उसका कंटेंट बेचने में हेल्प करेंगे और जो भी उससे पैसा मिलेगा उसका 10% हम रख लेंगे। ये तो लिमिटलेस है, हम सोच भी नहीं सकते कि हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। इन सारी बातों को सुनकर बक जेक से सहमत हो जाता है। तब बक कहता है हम अब जेरी का क्या करेंगे, वो भी हमारे साथ शामिल होना चाहता है। तब जेक कहता है मैं जेरी को देख लूंगा और हमें उन रशियन लोगों से भी निपटना है। जेक ने बक और वेन के साथ डील कर ली थी। आगे जेक जेरी के घर पर जाकर उसे $2,00,000 देते हुए कहता है ये पैसा तुम रख लो और वेन और बक के साथ तुम्हारी जो भी डील हुई है उससे आउट हो जाओ। तब जेरी कहता है लेकिन मैं क्यों आउट हूँ? जेक कहता है वो दोनों आदमी पागल है, इसलिए जितना पैसा हो सके वो लेकर तुम अलग हो जाओ। जेरी भी जेक के हाथों रशियन लोगों से वेन और बक को बचाकर वेन और बक के पैसों में हिस्सेदारी चाहता था, पर जेक ने $2,00,000 देकर जेरी को इस डील से अलग कर दिया था। जेरी से डील करने के बाद जेक उस रशियन गैंगलॉर्ड से बात करता है। तब निकिता नाम का रशियन गैंगलॉर्ड जेक से $4,00,000 की मांग करता है, पर जेक उन्हें $4,50,000 देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि भविष्य में भी निकिता नाम का रशियन गैंगलॉर्ड वेन और बक पर किसी प्रकार से उंगली ना उठाए। जेक को पता था कि ये डील कर वो अपने फैमिली का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर लेगा। आगे डील करने के लिए निकिता इवान नाम के रशियन आदमी को जेक के घर पर भेजता है और इवान घर में आते ही जेक से उसका पैसा मांगता है। घर के अंदर बक और वेन भी मौजूद थे और जेक के बच्चे का फोटो वहाँ पर देख कर जेक को धमकी देता है। तभी वहाँ पर और आदमी आ जाते हैं जिन्हें जेक ने बुलाया था, जो आदमी जेक के साथ क्लब में बाउंसर का काम किया करते थे। उन्हें देखकर इवान नाम का वो आदमी शांत हो जाता है और वो चुपचाप जेक की बातें सुनने लगता है। जेक उन्हें पैसा दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारा $4,00,000 है और इसमें $50,000 ज्यादा है, जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। ये सुनकर इवान कहता है हाँ ये ठीक है, डील पक्की हुई। तभी वहां पर खड़ा हुआ जेम्स नाम का आदमी जो कि जेक का दोस्त था वो इवान को एक जोरदार पंच मारता है और जेम जेक को कहता है इसने तुम्हारे बेटे को मारने की धमकी दी थी, ये पंच इसलिए इसे मारा। पंच खाने के बाद भी इवान नॉर्मल रहने की कोशिश करता है और वो कहता है कोई बात नहीं। इवान वहीं पर जेक से बातें करते करते जेक की आंखों के सामने गिर जाता है। जेम्स इवान को चेक करता है तो वह मर चुका था। इवान की बॉडी देखकर वो सभी डर जाते हैं और आगे जेक के कहने पर वो इवान की बॉडी को बोट के जरिए समुद्र में फेंक देते हैं। आगे वेन जेक से पूछता है अब हम क्या करेंगे? तब जेक कहता है हम कुछ नहीं करेंगे और ना ही हम किसी को कुछ बताएंगे। अगर निकिता हमसे सवाल करेगा तो हम उसे यही कहेंगे कि हमने इवान को सारा पैसा दे दिया था और इसके बाद अगर वो भाग जाता है तो उसमें इनका कोई लेना देना नहीं। अब अगले दिन जेक अपनी फैमिली से मिलने लॉस एंजलिस जाता है और तब भी जेक इसी बारे में सोचता रहता है कि उसके हाथों एक मर्डर हो गया है। आगे जेक वहां जा रहा होता है तब जेक की वाइफ उसे कहती है मुझे लग रहा है तुम जो काम कर रहे हो उसके बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब जेक कहता है ओके हम लोग एडल्ट मूवीज बेचते हैं। ये सुनकर डायना परेशान होकर कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तब जेक कहता है चिंता मत करो हम एडल्ट मूवी नहीं बनाते हैं, हम बस बिलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अभी मुझे निकलना है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। और ऐसा कहकर जेक अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। आगे जेक वापस आता है तभी वहाँ पर उसे उसका दोस्त जेम्स मिलता है जहाँ पर निकिता सोकोलोव अपने आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। निकिता जेक को देखकर उसे अपनी गाड़ी में आकर बैठने के लिए कहता है। तब जेक चुपचाप निकिता की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और निकिता के लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आगे निकिता गाड़ी में जेक से पूछता है मुझे इवान के बारे में बताओ, वो कहाँ पर है? वो तुमसे पैसा लेने आया था तब तुम लोगों के बीच क्या हुआ था? तब जेक कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने उसे पैसा दिया, उसने कुछ ड्रिंक की और वो हमसे हंसते हंसते बात करके वहाँ से चले गया। पर निकिता गुस्सा होकर जेक से कहता है ना मुझे पैसा मिला और ना ही इवान लौटकर वापस आया। पीछे गाड़ी में जेम्स और उसके आदमी भी निकिता की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। निकिता अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोककर जेक को गाड़ी से बाहर निकलता है।
तभी वहाँ पर जेम्स और उसके आदमी पहुँच जाते हैं और वो निकिता के आदमियों पर गन अड़ा देते हैं। बदले में निकिता के आदमी भी उन सभी पर गन अड़ा देते हैं। तब जेक अपने दोस्तों को गन नीचे रखने के लिए कहता है और जेक निकिता से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम पैसों के लिए आए हो, मुझे नंबर बताओ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तब निकिता कहता है, मुझे जितना पैसा दिया जाता था मुझे उसका डबल चाहिए हर महीने, और अगर तुमने मुझे इवान के बारे में झूठ बोला है तो मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड सबको मार दूंगा। ये कहकर निकिता अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। अपनी फैमिली के बारे में धमकी सुनकर जेक डर चुका था, पर जेक आगे अपना काम जारी रखता है और वो अपनी कंपनी के लिए एक वेयर हाउस ले लेता है, जहाँ से वो लोग 24/7 बिलिंग कंपनी का काम शुरू करते है, जहाँ पर हर मंथ उनके साथ 20 नए कस्टमर जुड़ जाया करते थे जो कि एडल्ट मूवी बनाने का काम किया करते थे। और कंटेंट बनाने वाले को पता चल चुका था कि वो लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों से ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं। ये बात पता चलते ही और भी कंटेंट क्रिएटर उनके ऑफिस में आने लगते हैं और वो जल्दी अपनी खुद की बिल्डिंग ले लेते हैं 24/7billing.com को चलाने के लिए। जेक की फैमिली लाइफ भी अच्छी हो चुकी थी क्योंकि हर बार वो घर आता था तो उसकी वाइफ काफी खुश होती थी, क्योंकि हमेशा ही जेक के घर में कुछ न कुछ नए गिफ्ट और चीजें आया करती थी। अब जेक को उस कंपनी को चलाते हुए 5 साल पूरे हो चुके थे और 24/7billing.com कंपनी भी बड़ी हो चुकी थी। अब इनकी कंपनी बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी, बड़ी लाइफ स्टाइल जीती थी। एक ऐसी पार्टी में जेक की मुलाकात ऑड्री डॉन्स नाम की लड़की से होती है और ऑड्री को देखते ही जेक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आगे जेक और ऑड्री आपस में बातें करते हैं। जेक कहता है, तुम्हें भी हमारे साथ काम करना चाहिए। तब ऑड्री कहती है, नहीं, मुझे अकेले काम करना पसंद है, इसलिए मेरी अलग वेबसाइट है और मुझे पहले भी लोगों ने अप्रोच करके मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं लोगों की वेबसाइट के लिए काम नहीं करती। आगे जेक पार्टी से बाहर चला जाता है, तभी उसे जेरी नाम का वही एडवोकेट आकर मिलता है और जेरी जेक से पूछता है, जेक मैं जानना चाहता हूँ तुमने मुझे इस पार्टनरशिप से क्यों हटा दिया था? जेक कहता है, ये तुम्हारा डिसीजन था, मैंने तुम्हें $2,00,000 दिए थे इस पार्टनरशिप से हटने के लिए और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। आगे जेरी वेन और डक को डेनिस जेड नाम के आदमी से मिलवाता है और वेन और बग डेनिस जेड के साथ एक और वेबसाइट ओपन करने की डील कर लेते हैं और इस बारे में वो लोग जेक को कुछ नहीं बताते। दूसरी तरफ जेक भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑड्री के साथ बिताने लगा था और ऑड्री और जेक के बीच अफेयर शुरू हो गया था। जेक अपने घर पर आता है तब भी वो ऑड्री के बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए जब भी डायना जेक की वाइफ जेक के पास आती है तो जेक डायना में इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए डायना को भी बुरा लगता है। आगे जेक और ऑड्री एक हॉर्स रेस में जाते हैं, तभी वहाँ पर एक वेटर आकर जेक को सर्व करती है और वो कहती है, ये आपके लिए निकिता सोकोलोफ ने भेजा है। जेक वहाँ पर निकिता को देख लेता है और वो निकिता से बात करने के लिए निकिता के पास चला जाता है। तब निकिता जेक को कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा 2 FBI ऑफिसर पीछा कर रहे। तब निकिता उन ऑफिसर को देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता वो मेरा पीछा कर रहे? तब निकिता कहता है, क्योंकि उस FBI ऑफिसर के पीछे मेरा आदमी खड़ा हुआ है और उसने उन FBI ऑफिसर को बात करते हुए सुना है तुम्हारे बारे में। आगे निकिता वहीं पर बैठी ऑड्री को देखकर उसे हाय कहता है। तब जेक कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? तब निकिता कहता है, हाँ, वो मेरे क्लब में डांस किया करती थी। आगे जेक ऑड्री के पास जाता है और ऑड्री जेक से पूछती है, क्या तुम निकी को जानते हो? जेक कहता है, हाँ, कुछ साल पहले मैंने उसके साथ बिजनेस किया था। ऑड्री कहती है, मैंने भी, पर निकिता के लॉयर की वजह से मैंने अपना सारा पैसा गवा दिया था। उस लॉयर का नाम जेरी हैग्रेटी था। ये सुनकर जेक सब कुछ समझ जाता है और आगे जेक जेरी के घर में जाकर उसे कहता है, तुम निकिता के लॉयर रह चुके हो और तुमने मुझे इन सब में फंसाया है। वो इवान नाम के आदमी को तुमने मेरे घर पर भेजा था पैसा लेने के लिए। हमें निकिता को $2,00,000 पे करने थे पर उसने हमसे $4,00,000 मांगे थे। वो इवान नाम का आदमी तुम्हारा सेटअप था। ये सुनकर जेरी कहता है, तो मैंने इसमें क्या गलत किया? तुमने तो इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए हैं और तुमने मुझे इस पार्टनरशिप से छोटी सी रकम देकर निकाल दिया, जबकि तुम मेरी वजह से इस बिजनेस में आए हो, तुमने करोड़ों कमाए हैं और तुमने उस इवान नाम के आदमी को भी मार दिया। ये सुनकर जेक कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जेरी कहता है, वो तुम्हारे पास पैसा लेने आया और उस दिन के बाद से वो गायब है। जेक कहता है, वो मेरे पास पैसा लेने आया था और वो पैसा लेकर भाग गया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जेरी कहता है, वो $4,50,000 लेकर भागा है। तुम्हें लगता है इतने से पैसों से वो अपनी आलिशान जिंदगी शुरू कर सकता था, जबकि निकिता के साथ काम करके वो और ज्यादा पैसा कमा सकता था। जेक कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, और ऐसा कहकर जेक वहाँ से चला जाता है। जेक आगे ऑड्री के घर पर आता है, तब ऑड्री उससे कहती है, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मुझसे मिलने 2 FBI ऑफिसर आए थे। ये सुनकर जेक अचंभित होकर पूछता है, लेकिन क्यों? तब ऑड्री बताती है, वो दोनों आए थे और वो मुझसे बोलने लगे कि तुम्हारी वेबसाइट पर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप के लोग विजिट करते हैं और टेररिस्ट को तुम काफी पसंद हो,
आगे वो आर्डर को बताते, जर्मनी के हैमबर्ग में एक टेररिस्ट छिपा हुआ था जो तुम्हारी वेबसाइट पर विजिट करता था और उसने अफगानिस्तान में छिपे एक टेररिस्ट को तुम्हारी वेबसाइट की लिंक भेजी और इसी तरह अफगानिस्तान वाले ने पाकिस्तान में भी एक टेररिस्ट को लिंक भेजी। इस तरह से तुम्हारी वेबसाइट के लॉगिन को ट्रैक करके नेवी ने पाकिस्तान के टोरा बोरा में छुपे हुए एक आतंकी का पता लगा लिया और उसकी लोकेशन पता लगते ही फाइटर प्लेन भेजकर उस लोकेशन को उड़वा दिया। ये सारी बातें सुनकर जेक को अजीब लगता है कि कैसे 23 साल की एक एडल्ट स्टार अमेरिकन गवर्नमेंट के इतने बड़े मिशन में काम आई। दूसरी तरफ बक और वेन दोनों ही बहुत परेशान थे क्योंकि डेनी जेड के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने जो नई वेबसाइट बनाई थी उस पर डेनी जेड ने नाबालिग लड़कियों के एडल्ट वीडियो डाल दिए थे और बक और वेन इस बात के लिए परेशान थे कि अब उन्हें जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि ये अमेरिका में क्राइम था और अब वो उस कंटेंट को वेबसाइट से हटा भी नहीं पा रहे थे। वेन और बक बाहर निकलते तभी ऑफिस में काम करने वाली लेडी उन दोनों को कहती है एफबीआई वाले यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर वेन और बक और डर जाते, कहीं उल्की गलती के कारण तो एफबीआई वाले नहीं आए, पर एफबीआई वाले जेक से किसी और टॉपिक पर डिस्कस करने आए थे। एफबीआई ऑफिसर कट कहता है टेररिस्ट लोगों को कुछ स्पेसिफिक कंटेंट पसंद है, जैसे कि लड़की का लड़की के साथ इंटीमेट होना और उन्हें मिलिट्री थीम पर बनाया हुआ कंटेंट भी पसंद है, यानी एडल्ट स्टार आर्मी के कपड़े पहनकर वीडियो शूट करे, इसलिए तुम्हें ऑनडी की वेबसाइट पर एक नया सेक्शन बनाना चाहिए जिस पर पेमेंट करने की अलग मेथड हो और ये सब करके हम और से और ज्यादा टेरिस तक पहुँच सकते है। जेक कहता है हाँ बिल्कुल, यदि आप लोगों को जरूरत है तो मैं गवर्नमेंट की जरूर हेल्प करूंगा। जेक उन एफबीआई ऑफिसर से डील के लिए हाथ मिलाता है और दूसरे ऑफिस में बैठे वेन और बक भी ये देख रहे थे और उन्हें लगता है कि जेक एफबीआई के साथ मिलकर उन्हें पकड़वाना चाहता है उनकी वेबसाइट पर अंडर एज कंटेंट डालने के लिए। पर जेक को अभी तक भी नहीं पता चला था कि वेन और बक ने क्या गड़बड़ी कर दी। आगे बक और वेन जेरी के पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बताते है कि उनके नाम से जो डोमेन नेम खरीदा गया था उस पर डेनी जेड नाम के उनके पार्टनर ने अंडर एज कंटेंट डाला, यानी 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की एडल्ट मूवी डाली। ये सारी बातें सुनकर जेरी कहता है ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपनी पॉकेट ढीली करना चाहिए और डेनी जी से बात करना चाहिए। तब बक कहता है तुम ही हमारे पास उसे मिलाने के लिए आए थे इसलिए तुम्हें उससे बात करना चाहिए। तब जेरी कहता है पहले तो तुम लोगों को मुझसे रिस्पेक्टफुली बातें करना चाहिए, तभी मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल पाऊंगा, इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कंपनी में छोटा सा शेयर देना होगा। तब बक कहता है तो हम तीनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम तीनों साथ में काम करेंगे और जेक को पार्टनरशिप से किसी तरह से बाहर निकाल देंगे। आगे जेरी वेन और बक के साथ बात करते हुए जा रहा था तब जेरी उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने मुझे पिछली बार अपनी पार्टनरशिप से साइडलाइन कर दिया था। तभी जेरी वेन की उंगली मोड़ देता है और जेरी उन दोनों को डराते हुए अपनी गन दिखाते हुए कहता है मुझे इस बार तुम दोनों धोखा मत देना, नहीं तो तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। डरकर वेन और बग जेरी को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे एक्सीडेंटली उनके हाथों इवान नाम का रशियन गैंगस्टर मारा गया था और उन लोगों ने उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया था। जेक के खिलाफ ये सारा सच जानकर जेरी और पावरफुल पोजीशन में आ जाता है। दूसरी तरफ जेक का एक एम्प्लॉय जेक को बताता है मैं कुछ वेबसाइट देख रहा था और तभी मैंने डेनी जेड नाम के आदमी की वेबसाइट पर विजिट किया और इस वेबसाइट का डोमेन बक और वेन के द्वारा लिया गया है और इस वेबसाइट पर अंडर एज एडल्ट कंटेंट डाला जा रहा है। ये सुनते ही जेक गुस्सा होकर वेन और बक के पास जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। तब बक कहता है इसमें हमारी कोई गलती नहीं, डेनी जेड नाम के आदमी ने ये सब किया है। तब जेक डेनी जेड नाम के उसी आदमी के घर पर जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी और जेक डेनी जेड को पकड़कर वहीं पर मारने लगता है और जेक वहां से जाने लगता है। तभी पार्टी के बीच में जेक की नजर वहीं पर एक लड़की पर पड़ती है जो दो लड़कों के साथ थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ऑड्री थी। आगे जेक अपने घर पर आता है तभी वहां पर ऑड्री आती है। जेक थोड़ा परेशान था और वो ऑड्री से कहता है यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था, कभी कभी हम जिंदगी के एक पार्ट को भूल जाते हैं और वही पार्ट हमें याद दिलाता है कि हम जिंदगी में क्या गलत कदम रख रहे हैं। तब ऑड्री कहती है मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, पर मुझे लगता है तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, मेरे साथ रहते हुए भी तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, अपनी वाइफ से बात करते हो, मुझे तो तुम्हारे साथ होना भी नहीं चाहिए था। ये सब सुनकर जेक कहता है तुम्हारा सामान के तुम यहाँ से निकल जाओ। तब ऑड्री जेक से सॉरी कहती है कि वो उससे ऐसा बिहेव कभी नहीं करेगी, पर जेक उसे जाने के लिए कहता है और ऑड्री कांच का गिलास जेक की तरफ फेंकते हुए वहाँ से निकल जाती है। जेक को समझ आ गया था कि ऑड्री एक एडल्ट स्टार थी, वो अपना काम छोड़कर घरेलू महिला की तरह उसके साथ कभी नहीं रह सकती थी। अब रात में जेक सोया होता है तभी उसे एफबीआई ऑफिसर कर्ट का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जेक मिलने के लिए जाता है तब कर्ट उसे बोलता है दो रात पहले हमने अफगानिस्तान में कई सारे टेररिस्ट को मार गिराया और ये सब हो पाया है तुम्हारी वजह से, तुमने हमारे इस काम में हेल्प की तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें वार्न करके तुम्हारी हेल्प करूं। हमारे एक इन्वेस्टिगेटर ने कंफर्म किया है
तुम्हारे पार्टनर के नाम पर लिए गए डोमेन की एक वेबसाइट पर अंडर एज गर्ल का कंटेंट अपलोड किया गया है और इस अपराध में तुम लोग जेल जा सकते हो। जेक कहता है, तुम अच्छी तरह जानते होंगे उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कर्ट कहता है, लेकिन तुम्हारे पार्टनर्स का हाथ है। कुछ महीने पहले एक बाउंसर को पकड़ा गया था, वो ड्रग्स लेकर ड्राइव कर रहा था। उससे पूछताछ करने पर उसने इवान नाम के आदमी के बारे में बताया जो तुम्हारे घर में 5 साल पहले मारा गया था। मुझे और हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इवान जैसे आदमियों के मरने से, लेकिन हमारे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना बहुत बड़ा अपराध है। ये सब सुनकर जेक कहता है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम में पीछे तो नहीं जा सकता। मुश्किल से निकलने के लिए तुम ही कोई रास्ता ढूंढो, ऐसा कहकर कर्ट वहां से चला जाता है। तभी जेक को उसकी वाइफ डायना का कॉल आता है और डायना रोते हुए बोलती है, वो लोग बच्चे को ले गए। डायना के घर आकर कुछ नकाबपोश लोग बच्चे को लेकर निकल गए थे। आगे जेक वापस लॉस एंजलिस में आता है, तभी उसे निकिता का कॉल आता है और निकिता कहता है, जेक तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, मैं तुमको आज रात कॉल करके बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। तब जेक कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, पर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आगे निकिता के आदमी वहाँ पर वो बच्चा लेकर आ जाते है जिसे किडनैप किया था। बक और वेन भी वहाँ मौजूद थे और वो उस बच्चे को देखकर कहते, ये जेक का बच्चा नहीं है, ये तो उसकी हाउसकीपर का बच्चा है, ये बच्चा मैक्सिकन है। वैन और बक वहाँ से जाने लगते है, तभी निकिता उनको रोककर कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे, मैं जेक को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस बच्चे के लिए हमें पैसा जरूर देगा। अब रात में जेक उस बच्चे को बचाने के लिए अपने घर से पैसा लेकर निकल जाता है। जेक को जाते वक्त अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो शायद ही अब वापस लौट पाएगा। आगे जेक वो पैसा लेकर निकिता की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। तब जेक देखता है वहां पर जेरी, बक और वैन पहले से ही मौजूद थे। तभी निकिता वहां पर बच्चे को लेकर आ जाता है और जेक उसे पैसों का बैग दे देता है। निकिता वो बैग खोलकर पैसा देखने लगता है। तब जेक उस बच्चे को कहता है, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तब निकिता अपने आदमी को उस बच्चे को बाहर जाने की इजाजत दे देता है। आगे निकिता जेक से पूछता है, तुमने इवान को क्यों मारा। तब जेक कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट था। इवान ने मेरी फैमिली के लिए धमकी दी थी, तब गुस्से में आकर मेरे बाउंसर ने उस पर हाथ उठा दिया था। ये सुनकर निकिता का आदमी जेक को जोरदार पंच मारता है। तब वहाँ बैठा जेरी कहता है, ये सब बाद में कर लेना, पहले इससे पेपर पर साइन करवा लो। आगे जेरी जेक को पेपर देता है साइन करने के लिए और जेरी कहता है, इन पेपर्स में लिखा है जो बिजनेस तुम्हारा है वो अब से मेरा, निकिता का, बक और वेन का हो जाएगा। तब जेक साइन करने लगता है और उसे एफबीआई ऑफिसर कर्ट की बात याद आती है। तब जेक ने उसे कहा था, मैं समय में पीछे नहीं जा सकता, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तब कर्ट ने उसे कहा था, तुम इन झंझटों से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, और जेक को रास्ता दिखाई दे रहा था। जेक जेरी से पूछता है, जेरी क्या मैं इन पेपर में पिछले साल की डेट डाल सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं इस साल के काफी सारे टैक्स देने से बच जाऊंगा। इतना सारा पैसा तुम्हें देने के बाद अब मेरे पास और पैसा नहीं है टैक्स भरने के लिए। तब जेरी कहता है, हाँ तुम ये कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता इससे तुम्हें कुछ फायदा होगा। तब जेक साइन करने के बाद पिछले साल की डेट पेपर्स पर डाल देता है। तभी निकिता अपने गन पर साइलेंसर लगाकर जेरी पर फायर कर देता है और जेरी वहीं मारा जाता है। निकिता कहता है, इस आदमी ने मुझे हमेशा धोखा दिया है, ये बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। आगे निकिता जेक से कहता है, अगली बार से तुम कोई पार्टनर चुनो तो संभल कर चुनना, इन कुछ सालों में मेरा तुमसे काफी फायदा हुआ है और मुझे तुमसे सीखने को मिला है, कभी कभी बिजनेस से इम्पोर्टेंट फैमिली होती है, अब चले जाओ यहाँ से। आगे जेक वहाँ से निकल जाता है और बाहर जेम्स के पास वो बच्चा था, वो तीनों ही खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जेक बच्चे को लेकर घर पहुँचता है, तब उसकी हाउसकीपर बच्चे को देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ वेन और बक को एफबीआई ऑफिसर कट ने अरेस्ट कर लिया था। तब वेन और बक कट को बताने लगते है कि जेक ने इवान को मरवा कर उसे समुद्र में फिकवा दिया था। तब कर्ट कहता है, तुम्हें इवान के केस के लिए अरेस्ट नहीं किया गया है, बल्कि तुम्हें अपनी साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाने के केस में अरेस्ट किया गया है। तब वेन कहता है, इन सब में तो जेक भी हमारे साथ शामिल था। तब कर्ट कहता है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसे जेक ने साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जेक ने 6 महीने पहले ही अपने सारे शेयर बेच दिए है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 6 महीने पहले ही जेक तुम्हारी कंपनी पर मालिकाना अधिकार खो चुका था, तो जेक की इन्वॉल्वमेंट हम इस केस में साबित नहीं कर पाएंगे, पर इस केस में तुम दोनों की इन्वॉल्वमेंट साफ साफ दिखाई दे रही है। ये सुनकर वेन को समझ आ गया था कि कॉन्ट्रैक्ट में जेक ने 6 महीने पहले की डेट क्यों डाली थी। आगे जेक अपनी वाइफ से मिलता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बक और वेन के खिलाफ एविडेंस मिल गए थे, इसलिए उन्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए 5 साल की सजा सुनाई जाती है। निकिता सोकोलोफ अमेरिका से भाग गया था और माना जाता था वो मॉस्को में जाकर रहने लगा था। ऑड्री ने जेक को छोड़ने के बाद भी अपना एडल्ट स्टार वाला काम जारी रखा था। ऑड्री के बारे में पता चलने के बाद भी डायना जेक को डिवोर्स नहीं देती
और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।